दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 31 जनवरी 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर 99 50 60 85 51। ईश्वर तू सबका भला कर, ईश्वर तू सबका भला कर, इसके लिए तू सबसे पहले लोगों को सद्बुद्धि दे। पता नहीं भगवान ये सद्बुद्धि इतनी मुश्किल से क्यों देता है। कह तो पहले से खूब दे दे, मेरे को भी उसने बड़ी मुश्किलों से सद्बुद्धि दी है और वह भी थोड़ी थोड़ी। अभी ज़्यादा दे देता तो मेरा कल्याण नहीं हो जाता। पता नहीं ऐसा वो क्यों करता है। अब आगे सुनिए, आज मुझे फिर वही एक वाक्य याद आ रहा है। ये रहा इधर के बोर्ड पर, अब सब यानी बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हो जाइए। अब सब यानी बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हो जाइए। आप कहो अरे यार ऐसा भयानक शब्द मत कह यार, ऐसा को कही मत, छोड़े ही मत। बिल्कुल ऐसा कहना भी नहीं चाहिए भाई। नेगेटिव से लोगों को बहुत चिढ़ है, नेगेटिव बोलना ही नहीं चाहिए। मैं भी कम बोलता हूँ, दीज आर डेंजरस वर्ड। लेकिन दोस्तों दुनिया में भगवान ने नेगेटिव को ऐसे ही नहीं बनाया। नेगेटिव नहीं बनाता तो पॉजिटिव भी उसी समय ख़त्म हो जाता, इसलिए इसकी महत्वता भी उतनी ही है जितनी पॉजिटिव की है। अब सुनिए मैंने जो ये शब्द कहे हैं, यानी ये कह लो कि जो मुझसे भगवान कहवाता है, अब सब यानी कि बहुत से लोग मरने के लिए तैयार हो जाइए। हर चीज़ में प्लस माइनस है, बराबर है। हर मंथन में अमृत और जहर निकलता है। ये आप पर निर्भर करता है कि उसको आप कैसे यूज करते हैं, उसमें से क्या लेते हैं। अब सब मरने के लिए तैयार हो जाए काफ़ी लोग, इसमें भाई अच्छा क्या है। ये तो डर आ रहा है यार, इसमें हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा है आप इसका भी मंथन करें तो आपको पता चले कि यह इस चीज़ का जनक है कि बच्चा कैसे जाए। यह इस चीज़ का जनक है विज्ञान का, हर चीज़ का, कि अब हम कैसे बचें, क्या रास्ता है, क्या कोई रास्ता नहीं है। यदि आपने सरेंडर कर दिया कि हाँ हम मर जाएंगे तो मर जाओगे, और ये धार लिया कि कोई नहीं मार सकता, कोई देखते हैं कौन मारता है, हम ही उनको मार देंगे। जिस इंटेंशन से, जिस टेक्नोलॉजी से, जिस स्वार्थ से कोई लोग ऐसा कर रहा है कि हमें मार देगा या ये लोग वो लोग, उससे बड़ी टेक्नोलॉजी भी इस दुनिया में मौजूद है। जैसे क्या देखो, मिसाइल भाई, मिसाइल जाकर दूर से मार देती है तो भाई इसका क्या करें इलाज। भाई इसका इलाज निकला एंटी मिसाइल। भाई एंटी मिसाइल निकल गया, फिर उनका इलाज निकला भाई एंटी मिसाइल। भाई उन एंटी मिसाइलों को भी डिस्ट्रॉय कर दें। हम एक अद्भुत संसार में जी रहे हैं, यह सब कुछ है लेकिन ऐसे नहीं है। ये सारा आपका सोच में है। इसलिए लोगों कुछ भी हो रहा है, अच्छा अच्छा हो रहा है, ये आप पर निर्भर करता है कि उस होने को, हैपनिंग को आप कैसे अच्छा बनाते हैं। भारत और दुनिया में प्रलय की सी हलचल क्यों है, भारत और दुनिया में प्रलय की सी हलचल क्यों है, क्या सचमुच में ऐसा हो जाएगा, यह क्यों होगा, क्या कोई बचने का उपाय है। हम यही सोच रहे हैं, भारत और दुनिया में प्रलय की सी हलचल क्यों है, क्या सचमुच में ऐसा हो जाएगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बचने का कोई उपाय है।
ये शब्द ये वाक्य अमृत से भरे पड़े हैं। यदि इनको कोई पॉजिटिवली और अच्छी तरह से ले, भाई क्यों ऐसा हो रहा है, भाई परमात्मा का तो पता नहीं, लेकिन आज तक की हमारी नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से, मानवता के विकास से हम यह जानते हैं कि कोई भी कष्टों में क्यों आता है, इसमें कुछ ये कारण हैं। जैसे भाई एक प्लानिंग होगा, भाई भगवान का प्लानिंग है, उसने खेत लगाए और उजाड़ दिए तो क्या करें, लेकिन हम यह जानते हैं और भी कारण हैं कि इन कष्टों का कारण क्या है। इन कष्टों का कारण है दूसरों को कष्ट देना, उनको मारना। हमारे इन कष्टों का कारण है, जैसे प्रलय की सी हलचल है, दूसरों को कष्ट देना, उन्हें मारना। अब भाई दूसरों को क्या कष्ट दिया, हमने भगवान को कष्ट दिए, हमने जीवों को कष्ट दिए, अपने आप को कष्ट दिए, प्रकृति को कष्ट दिए, माता पिता को कष्ट दिए, अपने से कमज़ोर और गरीब भाइयों को कष्ट दिए। देखो मेरे बोलने का अर्थ ये मत समझ लेना कि सब लोगों ने ऐसा किया है, अच्छे लोग भी हैं भाई। अब इनका डिटेल मैं नहीं बता पाऊँ शायद, क्योंकि बहुत देर लग जाएगी। हम अपने कर्मों से भगवान को, जीवन को, खुद को, प्रकृति को, माता पिता को, अपने से कमज़ोर और गरीब भाइयों को बहुत कष्ट देते हैं, और ज़्यादातर तो हमारे कष्टों का ये प्रतिफल है। हमारे कष्टों का प्रतिफल तो क्या, हमारे कष्टों का मूल कारण ये है कि हमने कष्ट दिए। हमारे ये समझ में नहीं आता कि हमने लोगों को कब कष्ट दे दिए, भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमने कष्ट दिए ही नहीं, अरे हम कैसे मान लें। कभी रिश्वत नहीं ली, कभी ये नहीं किया, कभी मांस नहीं किया, कभी ये नहीं किया। तो दोस्तों इस दुनिया में सारी चीज़ बड़ी रहस्यमय है, बड़ी अननोन चीज़ें उसमें मिली हुई हैं। आप कहते हैं कि मैंने कभी मांसाहार नहीं किया तो मैंने कष्ट नहीं दिया, लेकिन जो जीव कटते हैं, जो जीव कटते हैं उन्हें आप और हम ही कटने देते हैं, इसलिए उनकी चिल्लाहटों से, उनकी पीड़ा से जो पाप हमारे हिस्से में आता है वो सब लोगों में बट जाता है। आपकी आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, आप लोगों ने उसके लिए ट्राई नहीं किया। आप यदि शासक थे तो आपने अपनी फॉरेन एक्सचेंज के चक्कर में कितने जीवों को कटने दिया, काटा। इसी तरह से बहुत से कारण ये है कि हम पाप करते हैं तो भी ये हमको पता नहीं चलता। हम सड़क पर जा रहे हैं और कोई लड़की जा रही है सुंदर सी, तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई उद्दंड विचार आ जाता है। वह विचार आना ही एक कर्म है, और हमारे जो हमारे डीड्स में ऐड हो जाता है कि तुमने अभी ऐसा कर लिया, और ये इस तरह से निगेटिव कर्म फल आपके यहाँ आ गया। इस तरह से बहुत से कारण हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से सज्जन लोग भी दुख पाते हैं, उनके पता नहीं कब कब के कर्मों का फलों का एडिशन सब्सट्रैक्शन है। मैं डिटेल में ये नहीं बताने जा रहा कि हमने कैसे कैसे कर दिया, फिर भी चार नंबर देखिए, मोटे मोटे रूप में भारत का ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर यानी मनु सिस्टम, दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कैपिटलिस्टिक सिस्टम से पैदा हुआ राक्षस शैतान डेमन, भारत का ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर मनु सिस्टम, दुनिया का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कैपिटलिस्ट सिस्टम से पैदा हुआ शैतान, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। मैं कुछ कारण बता रहा हूँ आपको, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस हमारा अस्तित्व ही एक कारण है। क्या कि अनसर्टेनिटी ऑफ लिवलीहुड, इसमें क्या निकलता, अनसर्टेनिटी ऑफ लिवलीहुड, भाई करें नहीं तो क्या करें, खर्चा पानी तो बचा कर रखना है, भाई कल को कैसे जिएंगे। यह चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि हम सारी सीमाओं को लांग देते हैं। ये तो सही है कि भाई अनसर्टेनिटी है, कल का या शाम का भोजन कहाँ से आएगा, इसलिए हम इकट्ठा करके रखते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ के पागलपन तक पहुँच जाते हैं तो पाप करते हैं, जिसमें दूसरों को कष्ट देते हैं, फिर हमें कष्ट मिलते हैं। इसलिए आज मानवता है जो कष्टों में पड़ी हुई है।
और जैसे जीवन का चक्र है भाई, पेट का चक्र, पेट से नीचे का चक्र, और थर्ड चक्र है अहम का चक्र। ये चक्र आदमी को इस तरह से बांधे रखते हैं कि आदमी को ये होश ही हवास नहीं रहता कि कब हमने पाप कर दिया, एंड एज ए रिजल्ट दे सफर। फिर भी भगवान ने अपने पुत्रों को इतना इतना दिया है, इतना इतना दिया है, जिसका कोई पारावार नहीं। सुने, दुनिया में आजकल जो भी हलचल चल रही है उसमें मैं भी बोलता रहता हूँ कि मंगल तो क्यों पीछे रहता है, और पता नहीं और दुनिया तो कैसे बोलती है, मेरे तो एक्सपेरिमेंट हैं। यह मेरी जो आप देख रहे हैं लाइब्रेरी है, यह मेरी लेबोरेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, साइकोलॉजी, पता नहीं इंटरनेशनल किन किन चीज़ों की मैंने ये लेबोरेटरी लाइब्रेरी बनाई है। तब मैं ये बात बोलता हूँ, आज मैं सुबह क्या बोला, मुझे परमात्मा ने क्या बुलवाया, पहले आप वह सुन लीजिए कि परमात्मा ने मुझसे क्या बुलवाया, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। दोस्तों नमस्कार, इसमें तो नहीं सुन रहा, मैं पढ़कर सुना देता हूँ, ये मेरे बच्ची के मोबाइल में मैंने मैसेज ले रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, अगले कुछ दिनों, कुछ महीने बिल्कुल फ्री हो जाओ, अगले कुछ दिनों कुछ महीने बिल्कुल फ्री हो जाओ, जो अपना काम धंधा बंद कर सकते हैं, अपना काम धंधा बंद कर सकते हैं, बंद कर दो और सिर्फ यही काम करो, और सिर्फ यही काम करो, क्योंकि लपटें नज़दीक आती जा रही हैं, क्योंकि लपटें नज़दीक आती जा रही हैं, क्या करो भाई। ये मंगल बोलता है क्योंकि मुझे किसी हायर पावर ने बोला है, क्या करो, ये मंगल बोलता है, इस ग्रेट इंडिया डॉक बोलता है क्योंकि मंगल को किसी हायर पावर ने बोला है कि इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को घर घर पहुंचा दो, निकल पड़ो चारों दिशाओं में, इसकी पीडीएफ को घर घर पहुंचा दो, उससे पंपलेट और पर्चे निकलवा लो, और उसके फोल्डर मंगल के पास से या जहाँ से भी वह कहे मंगवा लो, उसको घर घर पहुंचा दो। देखो लपटे बहुत नज़दीक हैं, एक मिनट भी बेकार मत जाने दो, ऐसा ही करो। मेरे को ये परमात्मा कुछ अर्ध निद्रावस्था में कुछ सामने खड़ा होकर ऐसे लिखाता है जो आप कहते हैं कि यार ये क्या यार बेकार आदमी, ऐसे ऐसे कोई होता है, और उसके बाद दिन में मुझे भी उनको पढ़ करके ये अचंभा होता है कि तूने लिख क्या दिया, तुझे तो कोई बेवकूफ़ और पागल बताएगा आज मैंने क्या लिखा। कोई माने नहीं माने यार उनकी बात अलग है, आगे ही मानना पड़ेगा यदि उनमें सत्यता है तो। प्रिय दोस्तों नमस्कार, अगले कुछ दिनों कुछ महीने बिल्कुल फ्री हो जाओ, यानी इतना करो कि फ्री वही करो, जो अपना काम धंधा बंद कर सकते हैं कर दो, और सिर्फ यही काम करो, क्योंकि लपटें नज़दीक आती जा रही हैं, क्या करो। मंगल के इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को घर घर पहुंचा दो, इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को जो किसी हायर पावर ने मुझे दिया है, निकल पड़ो चारों दिशाओं में, इसकी पीडीएफ को घर घर पहुंचा दो, उससे पंपलेट निकलवा लो, और फोल्डर बड़ा वाला वो मंगल सही लेना है, यदि उसने कहीं दूसरों को दे रखा है तो वहाँ से लेना है, इसका कोई खास कारण है, जहाँ से भी कहे मंगवा लो, उसको घर घर पहुंचा दो, तो देखो लपटें बहुत नज़दीक हैं, खाक में मिल सकते हैं सभ्यताएँ, एक मिनट भी बेकार मत जाने दो। यह हमारा मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट इतना ही प्रभावशाली है। आप कहोगे कि यार गप्पे लगा रहा, हम कैसे मान लें, मानो या मत मानो मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मुझे जो कहा है गया है परमात्मा द्वारा वह मैं कर रहा हूँ। आप कहोगे कि भाई इस पंप, आप कहोगे कि भाई ये तुम्हारे लिफाफे में सिंपल सा है, इसमें क्या है, इसमें भाई क्या है, कुछ नहीं, इसमें क्या है, ये तुम्हारे ये थोड़े से शब्द हैं, इसमें क्या है, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ये है, इसमें क्या है। तो सुनो,
इसमें सब कुछ हो सकता है, और मेरे विचार से तो है। कैसे कि इस दुनिया के हर कण में सब कुछ है, तो इसमें क्यों नहीं होगा? इस दुनिया के सोचने में, विचार करने में, दुनिया के विज्ञान में, हर तरह के विज्ञान है, इसमें सब कुछ है। यदि आप विज्ञान को जानो तो एक छोटे से इस कैंची की नोक में भी सब कुछ भरा जा सकता है, एक छोटे से कण में भी सब कुछ। अब इसमें है कि नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि इसके वैज्ञानिक ने इसमें क्या भरा है। सपोज करो, जब मैं कहता हूँ कि ये ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा करेगा, तो ये मेरे पर निर्भर करता है कि ये क्या। जरूर थोड़ी है ये आपके समझ में आए, ये समय पर ही समझ में आएगा। और जो मैं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ ये सत्य है। अच्छा आप ये बताओ, सत्य है तो अच्छा आप ये बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, पेगासस इजराइल का, वो सुना भाई, वो जासूसी टूल लाओ, उसको किसी के भी मोबाइल में डाल दो, और वह पेगासस है जो उस आदमी की सारी एक्टिविटीज को ट्रांसमिट करेगा। अच्छा भाई, ये तो हमारे सामने की बात है, सारी एक्टिविटीज को उसमें कमरे में क्या हो रहा है, ये वह सबको करेगा भाई। उसमें ऐसा क्या करेगा? आप कहोगे कि विज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सारा संसार में ऐसे ऐसे विज्ञान हैं, पेगासस से भी बड़े बड़े। भाई उस पेगासस ने क्या डाला? उसने भाई एक, उसको यदि मिस कॉल दे दो तो भी वो किसी दूसरे के मोबाइल में डल जाएगा, और वह ये काम करेगा सारे ऐसे वाले। भाई इससे क्या चला गया? इससे कुछ भी नहीं गया। मेरे मोबाइल में भाई पैसे डालो, 350 का पैकेज डालो या वो डालो, भाई उसने क्या डाल दिया? भाई ये पता नहीं कहीं से निकल कर इसमें क्या आया। अब हम तो इनको मानते हैं कि भाई विज्ञान की बातें हैं, ये मेटेरियल साइंस से भी अलग तरह के हजारों साइंस दुनिया में, साइंस ही साइंस है इस ब्रह्मांड में। जो एक पेगासस इस तरह से डाला जा सकता है, एक पन्ने में, एक किताब में, एक वचन में, एक चीज में, इसमें भी डाला जा सकता है। यदि कोई विज्ञान का सहारा लेकर, चाहे वो मेटेरियल साइंस हो, चाहे वो वर्बल साइंस हो, चाहे वो साइकोलॉजी हो, इसमें ऐसा डाला जा सकता है कि ऐसा ऐसा ही होगा। उसके आधार पर मैं कहता हूँ कि ऐसा ऐसा ही होगा आगे जो यह है। अब इसका जो विज्ञान है, इसको विज्ञान को मैं किसी को क्यों बताऊं, और इसका विज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसका विज्ञान एक मैकेनिज्म है, और वह मैकेनिज्म है षड्यंत्र, और हम जो आपको दे रहे हैं वह डॉक्यूमेंटेड षड्यंत्र है। वह यह बताता कि यह षड्यंत्र क्या है, वह तो है ही, और ये कैसे काम करेगा, फिर भी डिटेल तो जानते से ही जान पाओगे। दोस्तों दुनिया इतनी पैनिक में है, आज तो ज़्यादा ही पैनिक में है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। ये पैनिक ही है जिसने हमें इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, और आगे और छलांग लगने वाली है। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं इन सभी चीज़ों का, बहुत चीज़ों का एक इलाज है। एक इलाज क्या? मिशन ग्रेट इंडिया का, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंटेड षड्यंत्र। ले भाई, आप कहोगे भाई ले भाई मुझे दे दे, तुम इतने रुपए में दे दे, ये लो, बिल्कुल आपको ये मिलेगा। लेकिन ऐसे ही है जैसे कि मोबाइल, भाई ये लो, लेकिन आप उसको चलाना नहीं जानता, ऑपरेट करने नहीं जानते, सारे फंक्शंस को नहीं जानते, तो कैसे जानोगे? जान ही नहीं सकते। इसलिए कुछ परमात्मा करता है, उसका विज्ञान करता है, उसकी मेहरबानी करती है और कुछ आप करते हो। हर एक चीज़ रेडीमेड नहीं मिल जाती, इसलिए सुन लो, परमपिता परमेश्वर ने इस ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का अवतरण दुनिया को बचाने के लिए किया है। लेकिन कहोगे तो फिर बचा लो, ऐसे कैसे बचा लो, क्यों नहीं सबको बचा लो? एक तो इसलिए कि फोकट की चीज़ कुछ नहीं मिलती,
बचा लो, फोकट की चीज़ आप एक रोटी का टुकड़ा तो ले लो, कहीं से फोकट की चीज़ नहीं मिलती इस दुनिया में, सारी चीज़ें हैं। यह जो विज्ञान है ये है, ये दुनिया की जान भी बचाएगी। दुनिया की जान बहुतों की क्यों नहीं बचेगी, उनकी मूर्खता की वजह से, उनकी मूर्खता की वजह से वो जान नहीं बचेगी, उनकी अकर्मता की वजह से जान नहीं बचेगी। वह विज्ञान को जानते नहीं इसलिए जान नहीं बचेगी। किशन भाई हम क्या करें, अब ये फोन आ गया, अब इस फोन का अब मैं इसको काट दूं कैसे मुझे पता नहीं चल रहा, इसलिए आज के चलो फोन गया। इसलिए दोस्तों इस पर गहराई से सोचना, ये मंगल कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये कोई बाबा नहीं है, ये कोई ठगी विद्या नहीं है। बहुत से बाबा हैं ठगी विद्या करते हैं, मेरे जैसे सड़क छाप भी ठग होते हैं, लेकिन मैं एक अलग किस्म का आदमी हूँ। अभी आप इसको पहचान लो, इस मेरे टूल को, वरना आगे बहुत भुगतने के लिए भी, भुगतने के बाद भी इसी को पहचानना पड़ेगा। और सुन लो भारत में क्या क्या आ रहा है, भारत में ये आ रहा है, दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर चले जाएंगे, पुलिस वाले अपने थानों को छोड़कर चले जाएंगे, पूजा स्थलों से पुजारी गायब हो जाएंगे, बंगले वाले अपने बंगलों को छोड़कर चले जाएंगे, और उनको खींच खींच के लाओगे तो भी नहीं आएंगे कि भाई हमें नहीं जाना। ऐसे ही नहीं जाने जैसे कश्मीर से आए हुए लोग नहीं जाना जा सकते। इस दुनिया को परमात्मा ऐसे ही नहीं चलाता। लेकिन आदमी का क्या है, क्या करता है, हल्दी की गांठ मिली, सोना मिला, नोट मिले, शक्ति मिली और पागल हो जाता है। पागल हो जाते हैं तो मरो, इसमें परमात्मा क्या करे। आज इतना ही, जय जय भारत।